यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल अकेडमी. तो आज आपके साथ बात करूंगी पी ट्रिप्लेस पी क्लर्क कम डेटा ऑपरेटर की पोस्ट के रिगार्डिंग. उसके फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं एंड नंबर टू उसका जो डिटेल्ड सिलेबस है, यस, अभी तक वो हम लोगों को गिवन नहीं है, दैट इज नॉट अवेलेबल ऑन वेबसाइट. बट फिर भी हम लोगों को अपना टाइम वेस्ट किए बिना जो लास्ट ईयर का टेंटेटिव सिलेबस भी था इस साल के लिए जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों को काम शुरू कर देना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले इंग्लिश वाले पोर्शन के साथ. अगर स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज बेसिक ग्रामर सब्जेक्ट एंड वर्ब. अब बेसिक ग्रामर में तो आप लोगों का ऑलमोस्ट सारा वाला पोर्शन ही आ जाएगा और सब्जेक्ट एंड वर्ब इस टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट एंड वर्ब के जो जितना भी हमारा अग्रीमेंट है उस अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा. उसमें से जो गोल्डन रूल्स हैं जो हर जगह अप्लाई होंगे ही होंगे उन पे भी बहुत ढंग से काम करना पड़ेगा. आफ्टर दैट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, यहां सब्जेक्ट और वर्ब को लेट्स से मैं आप लोगों को इसको एक मार्क्स की वेटेज दे रही हूं कि कम से कम यहां पे एक मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा. आगे डिस्कस किया एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश की प्रेपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन एडजेक्टिव और एडवर्ब का जो बेसिक डिफरेंस है वही क्लियर नहीं कर पाएंगे. सेंटेंस को देखेंगे और अननेसेसरी कंफ्यूजन होती है कि मैम इसमें एडजेक्टिव क्या था, इसमें एडवर्ब क्या था. तो समझना पड़ेगा इसकी बेसिक टेक्निकलिटी को. बेसिकली दोनों ही मॉडिफिकेशन का काम कर रहे हैं लेकिन दोनों के जो मॉडिफिकेशन का एरिया है दैट इज एंटायरली डिफरेंट. एडजेक्टिव करेगा नाउन और प्रोनाउन के लिए काम जबकि एडवर्ब काम करेगा एडजेक्टिव के लिए, वर्ब के लिए और खुद अपने आप दैट मींस एडवर्ब के लिए. सो यहाँ पे एल वाई लगाने वाला कॉन्सेप्ट या बहुत सारी चीजें हैं जहां पे स्टूडेंट्स को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है. उन सारे के सारे पर्सपेक्टिव्स पे जरूर काम करेंगे और स्पेशली अगर मैं एडजेक्टिव्स की बात करूं तो वहां पे जो आप लोगों का डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है जैसे कि मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात कर रही हूं, कंपैरेटिव डिग्री की बात करूं, पॉजिटिव डिग्री की बात करूं, कहां आप लोग ईआर ईएसटी को लगाएंगे, कहां मोर या मोस्ट को मेंशन किया जाएगा, ये सारे के सारे की पॉइंट्स पे आप लोगों को बहुत ढंग से काम करना पड़ेगा. रीजन यहां से हर साल कम से कम मैं 2 मार्क्स की वेटेज इसको दूंगी कि 2 मार्क्स एडजेक्टिव के लिए और 1 मार्क आप लोगों का एडवर्ब के लिए. यहां से ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे. आफ्टर दैट बात करूंगी मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की. अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसकी जितनी प्रिपरेशन कर लो ना लगता है कि अभी भी बहुत कम है, अभी इसको और ज्यादा कर सकते हो. डेफिनेटली बहुत वास्ट है लेकिन अगर हम लोग कुछ क्राइटेरिया हमारे दिमाग में फिट कर दें जैसे कि ये इतना मान के चलेंगे कि डेली हम लोगों ने 10 एंटोनिम्स और 10 सिनोनिम्स की डेली के डेली प्रैक्टिस करनी है. सो टिल योर एग्जाम बहुत वास्ट एरिया हमारा वोकैब का हमारे माइंड में ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा. रूट वर्ड्स पे काम करना शुरू कर देंगे तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों को बहुत ढंग से सॉल्व करेंगे. सिनोनिम्स आर द वर्ड्स विद सेम मीनिंग एंड एंटोनिम्स आर द वर्ड्स विद डिफरेंट और अपोजिट मीनिंग. बहुत इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना अगर हमारा वो क्या बहुत बढ़िया से डेवलप हो जाए. और ऑप्शंस को देखते हैं कई बार यहाँ पे इन क्वेश्चंस में हमारा गेस वर्क भी बहुत काम करेगा. कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स बताती हूँ कि आप लोग सही आंसर ढूंढने की बजाय सबसे पहले गलत क्वेश्चन को कट शॉर्ट कर दो. जैसे ही गलत ऑप्शन आपकी नजरों के सामने से हट जाएगी सही ऑप्शन तक जाने का जो हमारा रास्ता है ना वो बहुत जल्दी से डेवलप हो जाएगा. सो थोड़ा थोड़ा टेक्निक को चेंज करके चलेंगे तो कई बार हमारा जो गेस वर्क भी होगा डेफिनेटली बहुत कम चांस रहता है कि हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन होगा ऑलरेडी पहले पढ़ रखा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल. सो थोड़ा सा काम कर लेंगे, एफर्ट कर लेंगे तब भी हमारा यहां से जो 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे अगर मैं इनको टोटल लेके चलूं तो वो अच्छे से बहुत बहुत इजीली हम लोगों को मिल सकते हैं. आफ्टर दैट बात करूंगी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो है अपने आप में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोला जाता है. सो यहां से भी एरिया इतना वास्ट तो नहीं रहेगा लेकिन बहुत इजीली कर सकते हो. कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनके ऊपर बार 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 रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, इजीली कर लेंगे. जनरल क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कम से कम जरूर आएगा. आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्शन इन एरर्स.
इन्होंने ये बहुत ही ब्रॉड टर्म में इसको मेंशन तो कर दिया, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे किस टॉपिक में से? मैम वही टॉपिक जो ऑलरेडी गिवन है, इट मे और मे नॉट वेरी, यहाँ पे वेरिएशंस होती रहेंगी, इसीलिए जो फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्शन वाला पार्ट है उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक्स नोट डाउन करवा रही हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज में बेस का काम करेंगे, जिसके ऊपर आपको भी ढंग से सीखना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक है नाउंस। नाउंस के केस में सिंगुलर प्लूरल का केस आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में सिंगुलर हैं काम करेंगे प्लूरल का, जो दिखने में प्लूरल हैं काम करेंगे सिंगुलर का, तो वहां पे इज एम आर, लाइक आप लोग सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब की पहचान करनी, क्योंकि नाउन का सिंगुलर प्लूरल और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। यही टेक्निकलिटीज अगर हम लोगों को समझ में आएंगी तो बहुत ढंग से क्वेश्चन कर लेंगे। न्यूमेरिकल नाउन्स, एडजेक्टिव नाउन्स, हर किसी के रिगार्डिंग अपोस्ट्रोफी का यूसेज कहां पे करेंगे, ये सारे के सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं जिनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होना, बेसिक टेक्निकलिटी पता होना जरूरी है। आफ्टर दैट मैंने बात की प्रोनाउंस के रिगार्डिंग। प्रोनाउंस का मीनिंग क्या था? प्रोनाउंस में आप लोगों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के अलावा पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन सब के रिगार्डिंग क्या फैमिली है, क्या केस बनेगा, उसके रिगार्डिंग पता होना बहुत जरूरी है। कहां पे सब्जेक्टिव केस को यूज किया जाएगा, कहां पे ऑब्जेक्टिव केस को यूज करेंगे, अगर पर्सनल प्रोनाउंस हैं तो उनका ऑर्डर क्या रहना चाहिए, ये सब चीजों पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईच, आइदर, नाइदर, सबके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत ढंग से आते हैं, सो इनको बहुत समझ से करके चलेंगे, अच्छे से क्लियर क्लैरिफिकेशन ले लेंगे, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होगी तो क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से क्वेश्चंस आएंगे। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है, दैट आई एम राइटिंग वर्ब्स। वर्ब्स में आप लोगों की ट्रांजिटिव वर्ब, चाहे वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, इनट्रांजिटिव जिसको अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो अगर इन चीजों के बारे में नहीं पता होगा स्टेट वर्ब क्या होगी, हर साल उसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, सो वर्ब्स वाला टॉपिक भी बहुत ध्यान से कर लेंगे। आफ्टर दैट हम लोगों को पता रहेगा जो लास्ट टॉपिक मैं बताने वाली हूं, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट, इंग्लिश का एग्जामिनेशन हो और टेंसेस की बात ना हो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। टोटल हमारे पास 12 टेंस हैं, 12 के 12 टेंस के, जैसे मैं बात करूं सिंपल की प्रेजेंट की, फ्यूचर की या पास्ट की, तो चार के चार वर्जन, चाहे वो सिंपल या इनडेफिनेट हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, 12 के 12 टेंस आप लोगों को पता होने। नंबर टू, उनका स्ट्रक्चर और उनकी यूजेज अगर वो नहीं पता होगी तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो ये सारी की सारी जितनी भी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी वो सारा का सारा काम करना पड़ेगा टेंसेस पे, और उसी नॉलेज को यूज करके ना हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स और करेक्शन इन सेंटेंसेस, इन क्वेश्चंस को बहुत ढंग से सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे इडियम्स एंड देयर मीनिंग्स की, लोकोक्तियां और मुहावरे जिनकी बात करें, तो यहां पे भी हर साल यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेल चेक, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक रहेगा। चार ऑप्शंस आप लोगों को गिवन होंगी, चारों में से करेक्ट स्पेलिंग किसके हैं उसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को पता होगा अच्छा वाला लेवल रहेगा, एक ही क्वेश्चन आना है पर उसको बहुत ढंग से करेंगे। आफ्टर दैट एडजेक्टिव मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आर्टिकल्स की बात करेंगे, तीन आर्टिकल्स हैं अ, एन और द, कहां कहां पे किसकी यूजेज होनी चाहिए। नंबर टू, साउंड्स पे काम कैसे करना है। आफ्टर दैट केस ऑफ नो आर्टिकल, ये सारे के सारे पर्सपेक्टिव जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आर्टिकल का क्वेश्चन ग्रैब करना बहुत इजी हो जाएगा। आफ्टर दैट प्रेपोजिशन, बेसिक टॉपिक है जिसको हम लोग ये सारे के सारे टॉपिक्स को ना स्कूल टाइम से ऑलरेडी करते आ रहे हैं, पर लेवल थोड़ा सा उठा के, लाइक अप, ओवर, अबव, इनको कहां पे यूज करेंगे,
टू और टू वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, कहां पे एट यूज करेंगे, कहां पे इन यूज करेंगे, फॉर फ्रॉम सिंस, बहुत सी प्रेपोजिशन है, बिहाइंड बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है, सारी की सारी प्रेपोजिशन पे काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेवल अच्छा रहेगा, एक या दो मार्क्स के क्वेश्चन यहां से जरूर आएंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोलने, चाहे इसको नरेशन बोलने, नरेशन एंड आफ्टर दैट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही बढ़िया और इंग्लिश लैंग्वेज के अच्छे वाले टॉपिक्स हैं। लगता है स्टूडेंट्स को कि ये क्वेश्चन मुश्किल रहेंगे, बट मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, ये क्वेश्चन सुपर इजी रहते हैं। कैसे, आप लोगों को आंसर बनाना नहीं है, खाली अगर आप लोगों को रूल्स भी आते हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी चीजों से आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हो कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इनके बेसिक रूल्स पे काम करना पड़ेगा, दोनों का, नरेशन का और वॉइस का, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, तभी तो हम लोग वहां पे काम करेंगे कि टेंसेस किस में चेंज होंगे और किस में चेंज नहीं होंगे। नरेशन की बात करें तो वहां पे स्पेशल रूल्स प्लस जनरल रूल, हर एक सेंटेंस वाइज आप लोगों को वो सारे के सारे रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है, कहां टेल्स लगाएंगे, टोल लगाएंगे, आस्क्ड लगाएंगे, या कहां पे इफ वेदर लगाएंगे, दैट लगाएंगे, इंफॉर्मेशन होगी तो बहुत ढंग से क्वेश्चन कर लोगे। वॉइस की भी बात करें तो वो सारे के सारे रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। नंबर टू, आफ्टर दैट इंटरोगेटिव कैटेगरी से भी क्वेश्चन यहां से आ सकता है। So, यहां से मैं टोटल इसको 3 या 4 मार्क्स की वेटेज दूंगी। नेक्स्ट इज अगेन करेक्शन इन सेंटेंसेस, ऑलरेडी मैंने बताया। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंग्लिश, जहां पे मैंने आप लोगों को एक टेंटेटिव सिलेबस प्रोवाइड करवाया कि ये वो टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है, बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यू आर सपोज टू कवर ऑल ऑफ देम। जितने जल्दी आप लोग ये कवर कर लोगे, तो टेंटेटिव के बाद अब जो आप लोगों का ओरिजिनल रियल सिलेबस आप लोगों को देंगे, तो वहां पे भी तकरीबन एक्सपेक्टेड है इन्हीं टॉपिक्स को मेंशन किया जाएगा। सो टाइम वेस्ट किए बिना आज से ही आप लोग इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टॉपिक्स में एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जहां पे काम करना चाहिए, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सारा कुछ बताया। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहेंगे, जहां पे हम लोग आपके साथ ये जितने भी टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग डिटेल्ड वीडियोस, इन डिटेल में ये सारे के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को और छोटे छोटे ट्रिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। सो आने वाली वीडियोस को भी जरूर मेंशन कीजिएगा, देखिएगा एंड आगे जरूर सजेस्ट कीजिएगा। सो थैंक यू।